नमस्ते दोस्तों, हम सब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना, कानों को कॉटन बड से साफ करना और तो और फेस को जोर जोर से रगड़ रगड़ कर साफ करना, ये सभी चीजें गलत और हानिकारक होती हैं। ऐसे ही बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग खाना खाने के बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त लोगों को जितना ज्यादा सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना ही कम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपकी बॉडी पर बहुत गलत असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं, इससे खाना पेट में जाने के बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है और जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और कैलोरीज बर्न होने की जगह बॉडी में फैट बनने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी, और जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसलिए आइडियली हर किसी को सोने के लगभग 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और खाना खाने के बाद थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। मिस्टेक नंबर 2, शेयरिंग मेकअप ब्रशेस एंड रेजर्स। शेयरिंग इज केयरिंग वाली कोट तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे के मेकअप यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दोस्तों, फेस और आई लैशेस पर पैरासाइट्स होते हैं और जब आप एक दूसरे को मेकअप देते हैं तो ये पैरासाइट्स आपकी आंखों और फेस के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेशियल हेयर और बियर्ड्स के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं, जो यूज रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी बहुत सी केसेस हैं जहां एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करने से लोगों को एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो गई है। मिस्टेक नंबर 3, नॉट क्लीनिंग द डेली यूजेबल स्टफ। हम सभी अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, टीवी रिमोट्स, स्विचेस, बेडशीट्स एंड पिलोज, लेकिन इन सभी चीजों को बहुत रेयरली ही साफ करते हैं। बट क्या आप जानते हैं इन छोटी छोटी चीजों को रोज साफ करने से बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों पर बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके टच करने से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और इसके अलावा आपकी बेडशीट पर भी बहुत सारे डेड सेल्स और डस्ट होते हैं, जिससे आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए आपको अपनी डेली यूज करने वाली चीजों को हमेशा साफ रखनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, कवरिंग योर माउथ विथ योर हैंड व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। आपने हमेशा लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि खांसते और छींकते वक्त हमेशा अपने फेस को ढक लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको फेस को सही ढंग से ढकने का तरीका पता है? दोस्तों, आपको कभी भी खांसते और छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को नहीं ढकना चाहिए। असल में जब आप खांसते या छींकते हैं तो बहुत से जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जब आप इस दौरान अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लेते हैं तो वे हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों में आ जाते हैं और जाने अनजाने में वे जर्म्स फिर से आपकी बॉडी में चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, खांसते और छींकते वक्त हाथों की जगह एक साफ टिश्यू पेपर या रुमाल का यूज करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करने आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये आपके इम्यून और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इम्पैक्ट करता है।
खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद ही आपके पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड और इसके ही जैसे और एसिड बनने लगते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो इन एसिड्स में पानी मिल जाता है, जिससे एसिड्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बट अगर बहुत ज्यादा नीड हो तो आप एक या दो घूंट पानी पी सकते हैं, पर उससे ज्यादा पानी पीना खतरनाक हो सकता है। मिस्टेक नंबर 6, टेकिंग एक्सेस टूथपेस्ट और टूथब्रश। हम सभी को लगता है कि जितने ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतने ही ज्यादा चमकेंगे और मजबूत बनेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। असल में दोस्तों, टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स का यूज किया जाता है। ये वही केमिकल्स हैं जिसकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सोडियम क्लोराइड का यूज चूहे मारने की दवाई में भी किया जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं ज्यादा टूथपेस्ट लेने पर आपके दांतों पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने के बजाय कमजोर होते हैं और मसूड़े भी कमजोर पड़ते हैं। इसलिए आपको हमेशा पी साइज यानी मटर के दाने जितना ही पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी आप अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल स्वर्णिम फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारे फीचर्ड वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, हंसिए खेलिए, खुश रहिए, जिंदगी का मजा लेते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।